घर के इर्द गिर्द गनमैन लगाए गए इनको घर पर रखने के लिए, चाहे इनको जेल ले जाया गया कोरोना के समय 2 महीनों के लिए, कभी नहीं डरे। जब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की बात आई, मैंने अपने भाई राहुल गांधी जी से बात की, हम दोनों ने चर्चा की कि कौन सा ऐसा नेता है पूरे प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में जो बिल्कुल निर्भय होकर आगे बढ़कर जनता का संघर्ष कर पाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे भाई ने कहा सीधे सीधे, एक ही ऐसा नेता है, अजय लल्लू। उन्होंने कहा सोचो भी मत प्रियंका, इन्हीं को अध्यक्ष बनाओ, यही इस संघर्ष के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, यही इस संघर्ष के समय हमारी पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि ये तंकुबीराज का बेटा, आपका बेटा, संघर्ष से पीछे नहीं हटा। बड़े बड़े नेता जो मंत्री बनाए गए थे, जो बड़े बड़े घरों के बच्चे थे, नेताओं के पुत्र थे, दम दबाकर भाग गए, डर गए, संघर्ष से डरे, चुनाव हारे, इस बात से डर गए कि उनके घर चले जाएंगे सरकारी, उनकी सुविधाएं खराब हो जाएंगी, उन पर सरकार कोई कार्रवाई कर देगी, कोई एजेंसी डाल देगी, डर गए, सब डर गए, अजय लल्लू जी नहीं डरे।